ठीक है. ओके, वेलकम टू अभिमन्यु स्टूडेंट्स. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्लोबल, क्या नाम है आगे, जेंडर गैप रिपोर्ट. राइट, कोई भी स्टूडेंट ठीक है वो ज़्यादा वो नहीं करेगा काउंटर क्वेश्चन, ठीक है, क्लास के बाद. ठीक है, डन. ओके, ये मत बोलना कि सर इसमें कैसा, क्योंकि आप टाइम पास करने आते हो. ठीक है, नो फर्स्ट ऑफ ये अच्छा. ओके, नाउ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. राइट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमें मेंस के ऊपर. ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई, पहले तो आपको मेंस का टॉपिक है तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर करवाऊंगा. तो पहले आपको समझना है कि देखो यूपीएससी कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑन दिस. तो एक प्रोसेस से चलते हैं. सोसाइटी किसकी किसी की हुई है तो फिर ठीक है, कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा नहीं, है ना. ओके, देखो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ इसी के बेस के ऊपर, आपने पूरा वो प्रिपेयर कर लेना और ज़रूरत नहीं है. राइट, बर्थ. ठीक है, बर्थ के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे एक दो साल पहले उसने एक टर्म यूज़ की थी, सन मेटा प्रेफरेंस. सुनी किसी ने टर्म सन मेटा प्रेफरेंस? नहीं सुना तो दिए. ठीक है, नो सन मेटा प्रेफरेंस बेसिकली वो कहते हैं देखो एक तो है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, ठीक है ना. दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है कि सन मेटा प्रेफरेंस के उतना टाइम, हाँ उतनी लड़कियां प्रोड्यूस हो जाती जब तक बेटा ना हो, तो बेटा फुल स्टॉप लगाता है. ठीक है, दैट इज, अरे सीरियस, दैट इज सन मेटा प्रेफरेंस. और ये इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस किया कि भाई सन मेटा प्रेफरेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया. तो बहुत आपका भी पता होगा, बहुत सारी लड़कियां बड़ी हैं, उनका भाई छोटा है, उसके बाद कोई लड़की नहीं है, ना ही कोई लड़का है ना, है कोई. तो ऐसा नहीं है कि घर वाले आपको प्यार नहीं करते, बट कंसेप्ट यही है. ठीक है, नाउ दिस क्रिएट अनवांटेड गर्ल्स, इनको अनवांटेड गर्ल्स बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, मैं नहीं बोल रहा, जाके पढ़ लेना. ठीक है, कहीं बाद में मेरा कत्ल कर दो. ठीक है, नो अनवांटेड गर्ल्स. ठीक है, एक तो ये, नो दिस क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन और मैक्सिमम पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, जैसे ठीक है, देन अनदर डिस्क्रिमिनेशन प्रेफरेंस फॉर सन, ये तो है ही, ये तो है ना. ओके, अब बेटी का बर्थ तो हो गया, अब क्या होगा? मार देंगे यार, क्या बात कर रहा है, ये कत्लेआम की बातें कर रहा है. ठीक है, नाउ दिस सुनो, जब सन मेटा प्रेफरेंस होती है इस कंटेक्स्ट के अंदर, जो लास्ट सन, ठीक है, उससे पहले जितनी गर्ल्स हैं जिनको उसने ये वाला वर्ड बोला गया है, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन में कमी आती है, क्योंकि उन्होंने बाबा जी से बेटा मांगा था, मिल गया, अब उसके लिए न्यूट्रिशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. जब न्यूट्रिशन कम होगा तो उसके बाद एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, आएगी ना. आजकल अलग डिमांड है, बोलते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, फेसबुक चलना चाहिए, है ना, वही न्यूट्रिशन है. राइट, नाउ एजुकेशन के अंदर देखो, एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स, देन फीमेल टीचर है नहीं, ठीक है, और क्या आएगा इसके अंदर, बाय द टाइम गर्ल रीच एट प्यूबर्टी स्टेज, उसके बाद उसको ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज करता है इंडिया के अंदर, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब शादी करेंगे, है ना. देन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया कि दैट रिप्रोडक्टिव विंडो विल इंक्रीज,
अगर अर्ली मैरिज होगी करंट अफेयर की, उसमें एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, है ना, और क्या क्या प्रॉब्लम है कि दैट मैक्सिमम जो गर्ल की एजुकेशन हो रही है कौन सी फील्ड के अंदर है, नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल फील्ड के अंदर एजुकेशन नहीं इतनी, क्यों, क्योंकि वो प्रेफर क्या करती हैं, बैंक में जॉब लग जाए, टीचिंग की जॉब, ठीक है, तो ये सारी प्रेफरेंस है ना सोसाइटी के अंदर, ठीक है, ओके ना, देन यहाँ से जब मैरिज मैरिज होगी, मैरिज के अंदर भी तो इशू है, कौन सा इशू है, डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सारे इश्यूज है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, चलो ठीक है, कुछ लड़कियाँ फिर भी एजुकेशन ले गई, नाउ एम्प्लॉयमेंट, इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इशू क्या आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट इज वन ऑफ देम, है ना, और कौन बोला, सच्ची में, देन ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग सुना नाम, हायर पोस्ट के ऊपर नहीं जाना, वेज डिस्पेरिटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है, और क्या क्या इशू है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हाँ जैसे माइग्रेशन, नाउ माइग्रेशन, द इशू ऑफ माइग्रेशन इज ऑल्सो लिंक्ड विद फीमेल पैटर्न ऑफ जॉब, राइट, सो जैसे माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन के अंदर मेल चला गया अर्बन एरिया के अंदर, फीमेल रूरल एरिया के अंदर, वहां पे मैक्सिमम जॉब कहां पे है, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, नाउ फीमेल मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल और परसेंटेज दे पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वहां पे वेज की कमी है, चलो ठीक है, दूसरा इशू के एम्प्लॉयमेंट, या तो देखो या तो एजुकेशन है नहीं, ठीक है, या फिर एजुकेशन इतनी है, मतलब अगर एजुकेशन नहीं है वो भी जॉब नहीं करने दे रही, या फिर एजुकेशन इतनी है, इतनी ज्यादा है वो भी नहीं जॉब करने दे रही, कैसे, बहुत ज्यादा एजुकेशन है ना उस कंटेक्स्ट के अंदर, मैरिज किससे होगी, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, है ना, अब जब वो इतना पढ़ा लिखा होता है उसकी सैलरी हाई होगी, और वो वादे करता है मैं रानी बना के रखूंगा, अब वो कहती है, अब वो कहती है मैं जॉब नहीं करूंगी, पूछता क्यों, कहती है रानी हूं रानी जॉब थोड़ी करती है, और वहां पे जॉब को चली जाती है, ठीक है, घर में बैठती है, फिर वो सास बहू के सीरियल या फिर ऐसे ऐसे काम, सावधान इंडिया वगैरह, ठीक है, ये सारा इशू, नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम है यार, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना रहा हूं, और रानी काम नहीं कर सकती तो राजा भी नहीं करता, उसको पता नहीं, सेनापति करते हैं, तो वो सेनापति बना के रखती है, ठीक है, समझ आया, ओके, ये सारा क्लियर कंसेप्ट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत सारे इशू है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस वुमेन को पता ही नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड यूपीएससी वाले भी हंसो मत, यहाँ पे वुमेन का अगर नहीं, फीमेल का नहीं भी क्लियर हुआ तो काम चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा क्योंकि शादी तो हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन लड़कों का अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा, बता रहा हूँ, समझे, ठीक है, मेरा अलग केस है, मुझे मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, ओके डन, नो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पहले तो ये हो गया सारा क्लियर, ऐसे किसी भी इशू से लिंक करके यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकती है, मैंने ओवरऑल एक इसका आइडिया दिया आपको, राइट, द सेकंड थिंग, जो यूपीएससी अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये पहले ये बताओ रिलीज कौन करता है, ठीक है, इतना तो ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, ओके, पहले ये देखो इसके अंदर याद रखना, चार इन्होंने डायमेंशन के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला है, हमें वो चारों की चारों पता होनी चाहिए, तो नंबर वन कौन कौन से इंडिकेटर हैं, किसके बेस के ऊपर उन्होंने निकाला, नंबर वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, नंबर वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी,
नंबर टू एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. नंबर टू एजुकेशन. नंबर थ्री हेल्थ एंड सर्वाइवल. नंबर थ्री इज हेल्थ एंड सर्वाइवल. नंबर फोर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चारों के चारों याद होने चाहिए फॉर द प्रीलिम, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाएंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ पे पूछे जाएंगे. ठीक है, नाउ इंडिया का रैंक इस टाइम इस बार कितना था? 112. ठीक है, तो इंडिया का रैंक बेसिकली 4 पॉइंट ड्रॉप हुआ है. ठीक है, तो पुअर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, राइट. 4 पोजीशन डाउन है इंडिया. तो इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजन है. देखो, एक तो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की इंडिविजुअल इंडिकेटर के अंदर इंडिया का रैंक है 149. ये लिखना इसलिए है कि आपको पता चले. देखो 112 इंडिया का ओवरऑल है, 112 से जितने भी ऊपर गए है ना वो सारे नहीं नहीं मतलब 112 से बाद में 114-15 वो सारे नेगेटिव है इंडिया के लिए. वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसका रैंक है 149. अनदर वन इज हेल्थ एंड सर्वाइवल 150. हेल्थ एंड सर्वाइवल, ठीक है. एजुकेशन के अंदर इंडिया का रैंक है 112. वेरैस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर कितना रैंक है? 18, सिर्फ 18. तो इसके अंदर इंडिया का रैंक अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स. ठीक है, तो आपको देखो, हाँ जी, 18 इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ठीक है, अब देखो एग्जाम मैंने रैंक क्यों लिखवाए, आपने ये लिखना है 112 से बाद में कौन से हैं. एग्जाम के अंदर दोनों को कंपेयर करके आपने लिखना है. अगर वो बोलेगा इंडिया का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर बहुत ही मतलब इतना रैंक अच्छा नहीं है, डिस्कस करो, अब आप वहां बोले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, कोई सुनता नहीं है, है ना. वो बोलेगा भाई देख तो ले, उसमें तो पहले हमारा 18 रैंक है. तो बेइज्जती उसी करनी है जिसकी करनी चाहिए. ठीक है, तो उसमें जो 112 से नीचे हैं उनकी बेइज्जती कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बाद में. ओके, नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर इज जिनेवा. हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट जिनेवा. ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम परस्पेक्टिव, वो पूछता है. ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. फर्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर क्या क्या इशू है? देखो फर्स्ट इज यू शुड नो एटलीस्ट वन डेटा. या तो आप लोकसभा के अंदर हमारी कितनी वुमेन है, या फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि लोकल लेवल या एमएलए, मतलब जैसे भी वो रिपोर्ट है. दो तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर आप जाओगे वहाँ पे ग्राफ वगैरह बने होते हैं, तो उसके अंदर आपको अपडेशन आएगी ना, जब उसको अपडेट करना है क्योंकि इसी के मार्क्स मिलते हैं. दो टर्म आपने और यूज़ करनी, वन इज सन मेटा प्रेफरेंस, अनदर वन इज ग्लास सीलिंग, क्योंकि फिर लगेगा भाई आंसर ठीक है. ठीक है, नाउ देखो रूरल और वी कैन से पंचायत एरिया के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी मैंडेटरी है? 33%. बट इशू आ रहा है, देखो वहां पे तो है पार्टिसिपेशन, राइट. 33% के अंदर इशू मेन है कि मोस्टली वुमेन यूज्ड एज ए डमी. कितने गर्व से कह रही है सर, है ना, डमी, कि भाई वो हस्बैंड नहीं लड़ना है ही नहीं, तो उसको बोलता है कि तू आप देख दो कितने एमएलए के जितनी फीमेल होती है कुछ ना कुछ लगी हुई है, कोई सरपंच है कोई कुछ बनी हुई है ना, तो वहाँ पे जितना कोटा है वो इधर यूज़ हो रहा है, राइट. देन एट वी कैन से लोकसभा, वहाँ पे भी वुमेन की पार्टिसिपेशन इतनी नहीं है. क्यों नहीं है? ड्यू टू करप्शन रीज़न, ब्लैक मनी चलती है वहाँ पे, दारू चलती है, ठीक है, है ना. ये सारे रीज़न हैं जो हम बोलते हैं कि भाई आदमियों के काम है औरतों के नहीं है, है ना. ठीक है, तो उसके अंदर एक डेटा लिखो, एक वर्ल्ड लेवल का डेटा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ उन्होंने, वो लिखो. सो फार ओनली 25% ऑफ द गैप हैज बीन क्लोज्ड
इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डायमेंशन, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिया का बुरा हाल है अभी, तभी देखो हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इतनी है ही नहीं, लेकिन तब भी रैंक 18 है क्योंकि दूसरे भी कमज़ोर हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट की है, दूसरे भी नालायक निकले हैं इसलिए उसी के अंदर हमारा रैंक इंप्रूव है, राइट। 25% गैप, मतलब 75% अभी हमने क्लोज करना है। सेकेंड, इन 17th लोकसभा इलेक्शन 78 वुमेन हैव बीन इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, हैव बीन इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम 2014 इलेक्शन। 2014 के अंदर कितना था? 62। 2014 के अंदर लोकसभा के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी थी? 62, राइट। ओके, अनदर डेटा, लिखो एज पर 2018, एज पर 2018 यूएन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट वुमेन लेजिस्लेटर इन इंडिया रेज ग्रोथ by 15% more as compared to male legislator। देखो भाई, मतलब वो बोलता है कि वुमेन जितनी भी बनी हैं उन्होंने 15% ग्रोथ उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, है ना भाई, कहीं तो कुछ काम कर रही हैं। नाउ द थर्ड थिंग, एज पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आउट ऑफ टोटल एमपी और एमएलए Only 9% are women in India। बहुत है ना इतना डेटा, अब कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कर लोगे ना, और आपने डिस्कस क्या करना है वहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर, देखो वुमेन के इशू क्या है, एजुकेशन, जितनी कम एजुकेशन होगी, पहले बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ से क्या होगा, लेस न्यूट्रिशन, वुमेन के न्यूट्रिशन लेस हुए, इट मीन्स एजुकेशन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी इतनी। अब एनी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो न्यूट्रिशन का बहाना नहीं मारना किसी ने, ठीक है, न्यूट्रिशन कम है और एजुकेशन के अंदर अंडर परफॉर्मेंस, इट मीन्स के जो चाइल्ड होगा उसकी भी एजुकेशन की, वो कहेगी मैं नहीं, तेरी माँ नहीं पढ़ी तू क्या पढ़ेगा, है ना, बालों से पकड़ के ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हैं गाँव में देखा नहीं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि वो भी नहीं पढ़ेगा, और वो नहीं पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, है ना भाई, उसकी भी एजुकेशन गई और टोटली जीडीपी लॉस होगा कंट्री को, आपने लिंक करना है। और यहाँ से आपकी जो सिचुएशन है, दैट इज माल न्यूट्रिशन एंड हंगर एंड पावर्टी, ये सारे लिंक है, यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, बस आपने इंटरलिंक करना है, तारें जोड़नी है, बाकी सर वही है, ठीक है। नाउ सेकंड, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रिपोर्ट क्या करती कहती है, ओनली 58% ऑफ द गैप हैज बीन क्लोज सो फार, ठीक है, 58% क्लोज हुआ है, बाकी सारा अभी करना है। नाउ द थिंग इज, यहां पे एक तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, देखो इसके रीजन क्या है, वन इज पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट क्या है, मेल डोमिनेंस, बड़ों का आशीर्वाद लेना है ना,
घर के अंदर हमारे बड़ा कौन है? दादा, पापा, जब तक हम घर में मौजूद हैं, जब हम आ जाते हैं तो माँ, है ना? यही होता है, फीमेल डोमिनेंस भी तो है, लेकिन वो पहले ही कंट्रैक्ट होता है। हस्बैंड बोल देता है, भाई बात सुनो, बच्चे के आगे मेरे से कुछ नहीं बोलना, बाद में चाहे झाड़ू लगा दूंगा। नहीं होता। मेरे से मुझे एक स्टूडेंट मिला था, वो कहता सर, मैंने उसको बता रहा था, मैंने कहा फीमेल डोमिनेंस रहता है घर में। कहता सर नहीं, हमारे घर में तो हमारे फादर साहब की चलती है। मैंने कहा आप कहाँ पे रहते हो? कहता पीजी में। मैंने कहा बिना बताए कभी घर गए हो? कहता नहीं। मैंने कहा जाना, पता चले फादर साहब झाड़ू लगा रहे हैं, है ना? ओके, नाउ पैट्रियार्कल माइंडसेट, इसके अंदर लिखो प्रेफरेंस फॉर मेल एम्प्लॉय ओवर फीमेल एम्प्लॉय, प्रेफरेंस फॉर मेल एम्प्लॉय ओवर फीमेल एम्प्लॉय। सेकेंड, इसी के अंदर लिखो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। भाई बहुत सारे केसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, है ना? बहुत सारे मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर फीमेल को पता नहीं मुझे सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जैसे बोलते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करोगे, वो बोलता है तेरी इतनी सैलरी, किसी को बताना नहीं, वो भी मन में खुश होता है। दूसरे क्या होता है, किसी को बताना नहीं कि तेरी इतनी बढ़ा दी है, वो दूसरे भी मांगेंगे और सभी को लगता है कि मेरी हाईएस्ट है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता है। हाँ हाँ, अगर वो एम्प्लॉय शाम को बैठ गए तो डिस्क्लोज कर देते हैं वो, फिर डिस्क्लोज कर सकते हैं वो, भाई नहीं यार तुझे तो इतनी मिल रही है, तो पहले तो जितनी मिल रही है वहां से थोड़ा सा बंदा बढ़ा के बोलता है, ठीक है? ओके, नाउ थर्ड वन इज सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चरल रिलेशन, सोशियो कल्चरल रिलेशन। सोशियो कल्चरल रिलेशन के अंदर देखो, वुमेन को प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि प्रेगनेंसी की लीव लेनी है, ठीक है, घर के काम करने हैं, ये सारा इश्यूज रहते हैं, इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉय, ठीक है, वुमेन नहीं होती एम्प्लॉयर के, वो कंपनी क्यों हायर करेगी, कंपनी हायर नहीं करती। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट का भी उन्होंने बोला है, है ना, उसका इशू रहता है, जैसे लेट नाइट जॉब, वहाँ पे वुमेन को इतना प्रेफर ही नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि कंपनी के ऊपर भी बाद में इशू रहता है, तो मोस्टली प्रेफर नहीं करते। तो इसके अंदर लिखो कैरियर ब्रेक्स ड्यू टू, कैरियर ब्रेक्स ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड पेरेंटहुड ड्यूटीज। इसके अंदर एक रिपोर्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट 2011-12, ब्रैकेट के अंदर लिखना, अमंग पीपल ब्रैकेट के अंदर लिखना 25 to 59, अमंग पीपल ब्रैकेट के अंदर लिखो 25 to 59, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वर्किंग एज फार्मर्स एंड सर्विस वर्कर्स कॉमा नियरली अ थर्ड आर वुमेन, नियरली अ थर्ड मतलब वन थर्ड टोटल जितनी जॉब कर रहे हैं अब वुमेन, while proportion of women among professionals comma managers etc is only about 15%। ठीक है, वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग बताई कि जो एग्रीकल्चर या फार्मर्स इज ओनली अबाउट 15% कि जो जितनी हायर जॉब्स हैं उसके अंदर परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर देखो वो कंपल्शन है, दैट इज नॉट ड्यू टू देयर चॉइस। कंपल्शन कैसे है, अब मेल तो चला गया अर्बन एरिया के अंदर काम करने, तो पीछे घर में फीमेल ही काम करेगी और क्या है, है ना? हाँ, नाउ नेक्स्ट वन, हाँ इसके अंदर देखो ग्लास सीलिंग, द इशू ऑफ ग्लास सीलिंग स्टार्टिंग के अंदर बताया, ग्लास सीलिंग ये आपने मेंशन करना है, इसको स्टार मार्क कर लेना अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, इसके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही टर्म
ढूंढता है जो ऑलरेडी है, ठीक है। ये पता है ना ग्लास सीलिंग क्या है, इट इज़ अ बेसिकली आर्टिफिशियल बैरियर कि वुमेन को इससे ऊपर पोजीशन नहीं मिलती, ठीक है। लिखो, अच्छा किसी ने डीमोरलाइज नहीं होना, वो ग्लास सीलिंग तोड़ सकते हो आप, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो देख रहे हैं बच्चे ऐसे सर है ना, और कई अच्छे भी हैं कंपनीज। आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्यों डर है, आपकी तो वैसे सिलेक्शन होनी होनी है। हाँ जी क्या बोलो, मैंने बोला आपकी यूपीएससी में अभी तो मान के चल सकते हो ना भाई, अगर आप अभी बात वही है, अभी आप ऐसा सोचो मेरी सिलेक्शन मतलब हो ना हो, मतलब मैंने करनी है बस तभी होगी, ठीक है। वहाँ पे अपना एक वो फोटो वगैरह लगा दो दीवार पे, सिलेक्टेड एज जो भी बनना है आपने, ठीक है। और जैसे जैसे खत्म धीरे धीरे उसको मिटा के पीसीएस उसके बाद बैंक पीओ पटवारी ऐसे ऐसे कर, वो आपकी चॉइस, पर स्पेस छोड़ देना, ठीक है। ग्लास सीलिंग इट इज एन आर्टिफिशियल, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं तो, ये देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बना दूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, इतना भी आपको पता है, ठीक है। स्पेशली 4 घंटे में क्या चाहिए चाहिए, एक क्लास मिल रही थी 2 घंटे की, 2 दिन करवाइए अब, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो, इट इज़ एन आर्टिफिशियल बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर दैट प्रिवेंट वुमेन एंड माइनॉरिटीज फ्रॉम बींग प्रमोटेड टू मैनेजीरियल एंड एग्जेक्टिव लेवल पोजिशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल के बीच में मैंने सारे डिस्कस कर दिए, जो मैंने एक हेल्थ का लेक्चर लिया था उसके ऊपर भी आप देखना, वहाँ पे भी सारे इश्यू डिस्कस किए हुए हैं। इसके अंदर एक ही चीज़ लिखनी हमने, सन मेटा प्रेफरेंस। इट इन्वॉल्व्स parents adopting fertility stopping rule, having children until desired number of sons are born. Then last one is educational attainment. इसके अंदर तो कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन के अंदर तो लिख सकते हो ना, इशू क्या क्या डिस्कस करने हैं आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर, है ना। उसके बाद रूरल एरियाज, फीमेल टीचर नहीं है, लैक ऑफ है ना, उसका इशू रहेगा। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट के केस कितने होते हैं, वहाँ से न्यूज़पेपर के अंदर 1-2 उठा के लिख लेना, एग्जाम्पल भी तो चाहिए आपको, ठीक है। ये सारे इश्यूज़ के अंदर रहेंगे। एंड देन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जब आपका सन मेटा प्रेफरेंस के अंदर, देखो किसी भी चीज़ को आप कहाँ कहीं भी रख सकते हो, अगर आपको एजुकेशन के अंदर पूछेगा, जब सन मेटा प्रेफरेंस है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, तो एजुकेशन से लिंक कर देना। ग्लास सीलिंग का भी डर है, तो पहले वो पेरेंट्स ही कहते हैं भाई तेरी कौन सी वो, तूने ऊपर तक जाना इतना यहीं पे रह, है ना, ये सारे इश्यू उसके अंदर आ जाएंगे, राइट, ठीक है। तो लिख लोगे अब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो, क्योंकि ये एक जर्नल टॉपिक है, तो इसके अंदर मैं वही करवाऊंगा जो हाई क्वालिटी है, जो आपने ऐड करना है, बाकी सारा तो आपको लिखोगे ही, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग ग्रेड वाइट अनियन। प्रोसेसिंग
ग्रेड वाइट अनियन, नाम सुना है? हाँ जी, देखो चलो ठीक है, पहले तो देखो भाई प्राइस, हाई प्राइस ऑफ अनियन क्यों हुआ है? एक्सेस मॉनसून, डिलेड, ठीक है बाद में ज्यादा होगी ना, एक्सेस मॉनसून, ठीक है। और वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर कौन से है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर मॉनसून का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। दो टाइप के हम करते हैं, वन इज खरीफ, तीन टाइप की बेसिकली, खरीफ सीजन, रबी सीजन। अगर मैं ये बोलूं दैट रबी सीजन अनियंस आर नॉट प्रेफर्ड टू स्टोर एज कंपेयर टू खरीफ, ऐसी स्टेटमेंट आ गई तो खरीफ सीजन के जो अनियन है उनको हम प्रेफर नहीं करते स्टोर करने के लिए, ड्यू टू हाई मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर। खरीफ सीजन है कहाँ से कहाँ तक? मानसून वाला, मानसून वाला है ना, तो इसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है तो इसको हम स्टोर नहीं करते बेसिकली। तो अभी जैसे इशू हुआ था तो यहाँ पे इसको हमने स्टोर किया ही नहीं है, रबी का ही चल रहा था। सेकेंड इज फेस्टिवल, फेस्टिवल जैसे नवरात्रि, ठीक है। अब इन फेस्टिवल के अंदर ऑलरेडी ही सप्लाई कम होती है, ऊपर से ये काम हो गया, डन। देन इलीगल होर्डिंग, याद रखना ये खरीफ सीजन को हम प्रेफर नहीं करते स्टोर के लिए, ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है। डन, ओके। नाउ द थिंग इज, अब पंजाब की जो ये प्रोसेसिंग ग्रेड व्हाइट अनियन बेसिकली ये है PWO2, PWO2 इन्होंने नया बनाया, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी एक आ चुका है, कोई पता नहीं किसके रिगार्डिंग था, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, उन्होंने बोला था किसने बनाई, ठीक है। अब इसको बनाया किसने? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर, एड्रेस नहीं पूछा, पटियाला क्या रहे? पंजाब एग्रीकल्चर, वो तो पंजाबी है, वो बोल रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला के अंदर, राइट। हाँ क्या बोल रहे हो? डन, उनको अलग वैरायटी क्रिएट की है, पहले सुनो, ऑलरेडी जो पंजाब के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज हैं, प्रो 6, पंजाब नरोया, दो वैरायटी हैं ऑलरेडी जो ग्रो करते हैं, दीज आर रेड वैरायटीज, रेड वैरायटी है अनियन की, ऑफ अनियन, ठीक है। नो प्रो 6 की जो हार्वेस्टिंग टाइम है 120 डेज एंड जनरेट 175 क्विंटल पर एकड़, इतनी ये जनरेट करता है प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड वन इज पंजाब नरोया, 145 डेज एंड 150 क्विंटल, देन PWO, जो अभी बनाया है उन्होंने, PWO2, PWO2 हार्वेस्टिंग टाइम इसका कम है, पीरियड है ना, एज कंपेयर टू नरोया, बट देखो इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज समवेयर अराउंड दिस वन PRO6। नो दिस इज, अब इट मीन्स बनाया क्यों फिर इन्होंने, ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई इसके बल्ब, बल्ब होता है ना अनियन का, बल्ब कैन बी यूज्ड, द बल्ब ऑफ PROW कैन बी यूज टू मेक डिहाइड्रेटेड कंपाउंड लाइक वी कैन से फ्लेक्स पाउडर, ये सारे इसके अंदर यूज होते हैं, इसके हम बना सकते हैं, ठीक है। नो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, कैन बी यूज
टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स सच एज फ्लेक्स कॉमा पाउडर। समझे? तो एग्जाम के अंदर मैंने ये लिखवाया क्यों, ये इतनी पंचायत क्यों की मैंने, इसका रीजन है कि भाई अगर आपको एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछेगा वो डेटा, यूपीएससी क्वेश्चन समझो, वो ये पूछेगा भाई जो अभी PW2, पहले तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा किसने बनाया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दूसरा अगर फिर भी हिम्मत हुई तो पूछेगा भाई इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इज मोर एज कंपेयर टू अदर वराइटीज, वो गलत है। पॉजिटिव क्या है वो वाला, समझे ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूं तो आप मतलब समझो इसका मैंने लिखवाया क्यों। कभी नहीं पूछेगा 175 है ये, थोड़ी यार परमानेंट थोड़ी है, ऑन एवरेज है, राइट? ओके, देन रेयर अर्थ एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर क्यों नाम रखा उनका? हाँ जी, पुअर अवेलेबिलिटी, पुअर अवेलेबिलिटी। रेयर बेसिकली इनका नाम इसलिए रखा है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम, इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे नहीं मिलती। ऐसा नहीं है जैसे गोल्ड, गोल्ड से बहुत ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे हैं जो गोल्ड से ज्यादा, तो फिर तो गोल्ड भी रेयर होना चाहिए। हाँ, प्राइस के हिसाब से रेयर ही है, ठीक है, राइट? बट रेयर इसका नाम इसलिए नहीं रखा गया कि भाई रेयर है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और चाइना इसके अंदर भी मास्टरी कर रहा है, चाइना ने कितना ये कंप्यूटर वगैरह के अंदर बहुत यूज़ होते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग, और वे कैन से लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, क्योंकि ये मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड मिलते हैं हमें। बस आपने कुछ नहीं करना इसके अंदर, एक तो एप्लीकेशन पता होना चाहिए, नो वी कैन से द वेरियस रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ऑल्सो यूज इन डिफेंस सेक्टर, तो आपको वो बोल देगा ये वाली इसके अंदर कौन सा यूज होता है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड वन इज आपको ये पूछेगा भाई रेयर क्यों है, नाम ही क्यों रेयर रखा है ना, तो उस वही एक तो स्टेटमेंट आपने दे दी, वो भी यूपीएससी दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये रेयर है, रेयर नहीं है, राइट? समझ आया कुछ? ठीक है, नो फर्स्ट इज इसके अंदर लिखो यूजेस, यूज कहाँ पे होता है? देखो कंप्यूटर डीवीडीज, कंप्यूटर डीवीडीज, सेलफोन्स। अब जैसे सेलफोन कितने इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, वहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। नाउ यूज इन डिफेंस सेक्टर, इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या यूज है? फर्स्ट इज नाइट विजन गॉगल, नाइट विजन गॉगल, इसके अंदर कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट यूज करते हैं? लेंथेनम, LANTHANUM, लेंथेनम। हाँ जी, किस लेंथेनम? LANTHANUM। सेकंड लेजर रेंज फाइंडर, लेजर रेंज फाइंडर डिफेंस सेक्टर के अंदर ही है फाइंडर। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? नियोडाइमियम, NEO। हाँ जी बोल, पूछो क्या? लेजर रेंज फाइंडर, ठीक है, जिसके अंदर वो डिफेंस में नहीं यूज करते यार, ठीक है। नियोडाइमियम, NEODYMIUM। देन थर्ड वन इज फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, इसके अंदर हम यूज करते हैं इरबियम, ERBIUM, इरबियम, इरबियम। देन लास्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट, यूज करते हैं समेरियम, SAMARIUM, समेरियम।
नाउ एक और लिख लो इसके अंदर, वाई दे आर कॉल्ड एज रेयर, इनका रेयर ही नाम क्यों रखा गया? ठीक है, आर डबल ई रेयर अर्थ एलिमेंट आर नॉट रेयर एज देयर नेम अप्लाइज, आर नॉट रेयर एज देयर नेम अप्लाइज, हाउएवर दीज एलिमेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू माइन बिकॉज इट इज अनयूजुअल टू फाइंड देम इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। भाई इतनी इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, ठीक है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन होती है और उसको बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सट्रैक्ट करना, जैसे यूरेनियम की भी बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसकी प्रोसेस मैंने बताई थी, बट इतनी नहीं कम, ठीक है, बट इसके अंदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम। नाउ जैसे अपना आ गए मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एट द सेम टाइम डिफेंस सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगी और चाइना इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करता है। एक पॉइंट और लिख लो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल, राइट, रेयर अर्थ मेटल और एलिमेंट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी जो रिसेंटली एक स्टडी हुई थी सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की, जो जिसने बोला भाई आप क्या कर रहे हो, देखो हर डेली लाइफ के अंदर RDA है ना रिकमेंडेशन के भी, इस बंदे की पर इंडिविजुअल के बंदे की बॉडी के अंदर इससे ज़्यादा फैट सॉल्ट वगैरह नहीं जाना चाहिए, और उन्होंने अभी जो जितना भी सर्वे किया वो बोलते भाई कम तो है ही नहीं किसी में, है ना, और उन्होंने बोला कि भाई सभी को, और इंडस्ट्री ने इसको क्या करेंगे, उन्होंने अपोज किया, करना भी चाहिए उनको, है ना, राइट। WHO एंड नेशनल, क्या नाम था इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, दोनों मिलके इन्होंने RDA दिया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या हुआ, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हाँ, कि भाई हर बंदे को कितना खाना चाहिए, कितना साल्ट जाना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर, कितना क्या, ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये दोनों ने डिसाइड किया है, ठीक है, कितना है इसके अंदर लिखो, 60 ग्राम ऑफ फैट, 60 ग्राम ऑफ फैट कॉमा 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 60 ग्राम ऑफ फैट कॉमा 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉमा 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांस फैट एंड 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। हो गया सभी का, लिख लिया, डन। पर इंडिविजुअल ऑन डेली बेसिस, रिपीट, 60 ग्राम ऑफ फैट, 300 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 2.2 ग्राम ऑफ ट्रांसफैट एज वेल एज, और क्या था, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, बाकी चाय पत्ती डाल के बना लेना जो बनाना है, मैंने लिखवा दी है, ठीक है, है? नहीं नहीं वो जिम वालों के लिए क्लास के बाद में, मैं इसके अंदर लेक्चर ले चुका है, बाद में बता दूंगा क्लास में, ठीक है। ट्रांसफैट पता ना सभी को, ये तो मैंने PCS वालों को भी करवाया है ना, हाँ, ओके। नाउ इतनी डेली रिकमेंडेशन है, अभी जो हुई है स्टडी, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ सेंट्रल
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, पैक्ड फूड साइंस एंड एनवायरनमेंट CSCE, पैक्ड फूड, पैक्ड स्नैक्स लिख लो, पैक्ड हाँ CSE, छोटा नाम लिख लो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, राइट, पैक्ड स्नैक्स एंड फास्ट फूड ब्रीच दिस लिमिट, पैक्ड स्नैक्स एंड फास्ट फूड ब्रीच दिस लिमिट, उन्होंने ब्रीच कर दी, कौन सी लिमिट ब्रीच की, RDA की, मैं मतलब सीरियल में करवा रहा हूँ आपको, समझे कि स्टार्टिंग से आपको थोड़ा आइडिया हो और बेटर वे है पढ़ने का ही कि पहले क्या है उसके बाद क्या, ठीक है। नाउ एक और रिकमेंडेशन दी थी इस बॉडी ने, पहले तो मुझे इसका कच्चा चिट्ठा खोल के बताओ ये है क्या, बस यही बोल, मतलब सर को पता चले ही ना, बताओ किसी को पता, ठीक है नाम ने चलो क्या रखा है, मुझे मुझे ये बताओ इस कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मैंने करवाया हुआ है ये, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके आगे एक्ट कौन सा था, 2006 एक्ट के अंदर बनी है ये, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसका चेयरमैन कौन, ये मैंने लिखवाया हुआ है, दोबारा लिख रहे हो, पीछे पेज फोल के देखो उसको, अच्छा बाकी जो पहली क्लास में लिखते हो जलाते जाते हो अच्छा मुझे लगा कि भाई वो क्लास हो गई चलो जला दो खत्म किया करना, ठीक है। ऐसे बॉडीज याद करो, अदरवाइज याद नहीं होंगे, किसी को भी नहीं याद होती, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो, चेयरमैन इसका मिनिस्टर है या नहीं, नहीं है, सेक्रेटरी लेवल है ना, अब देखो ये, ठीक है राइट। नाउ इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, तो अभी ड्राफ्ट ही है लेकिन हमने करनी है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट का बिल है तो उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर आ सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट इज, देखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पहले आप देखते रहते हो कहाँ लिखे, वो बताता है कि मैंने यहाँ पे छापी ही देख, है ना, डेट ऑफ एक्सपायरी पता नहीं कहाँ लिखी होती है, तो ये कहता है दोनों एक जगह इकट्ठी करो, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी मस्ट बी एट वन प्लेस, मस्ट बी एट वन प्लेस, ठीक है। अब वो बोलता है कोई भी अलर्गन जिसे एलर्जी होती है वो उसके अंदर कोई है, किसी को होती है किसी को नहीं होती, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में जैसे स्किन टेस्ट होता है ना, वो जिसको एलर्जी होती है टेस्ट चेक करने के लिए किससे एलर्जी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, किसी पॉलन, पॉलन ग्रेन वहाँ से एलर्जी होती है, किसी को आम के अचार से एलर्जी होती है, दूध से होती है किसी को, ठीक है ना, हैं क्या बोल रहे लिखो, ठीक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अलर्गन ALLERGEN कॉमा लोगो ऑफ वेज एंड नॉन वेज, लोगो ऑफ वेज एंड नॉन वेज। थर्ड इसने बोला कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन वो पूरी चाहिए, तो थर्ड वन इज न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन ये बोलता भाई कि आपने जो लोगो लगाना है, ठीक है, एक तो वेज के लिए कौन से कलर का आता है, ग्रीन कलर, तो उसमें ट्रायंगल एक बॉक्स के अंदर स्क्वायर के अंदर रहेगा, अरे और सुन तो लो, ये ड्राफ्ट है, ये रिकमेंडेशन है, उसने बोला ऐसा, तो उसके अंदर उसको ट्रायंगल को भी पूरा ग्रीन कलर करना है फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन कलर एंड अदर कलर जो सिमिलर पैटर्न के होते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कलर दिखते नहीं है, कम भी नहीं, मतलब अगर जैसे ग्रीन कलर को यूज कर रहा है, ग्रीन से मैचिंग और कोई कलर है जिसके अंदर ग्रीन भी यूज हुआ है, तो वो दोनों इकट्ठे आएंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो न्यू लोगो फॉर वेज फूड विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कलर फील्ड ट्रेंगल। न्यू लोगो, दोबारा रिपीट करूं, न्यू लोगो फॉर वेज फूड विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कलर फील्ड ट्रेंगल इनसाइड स्क्वेयर, फील्ड ट्रेंगल इनसाइड स्क्वेयर। ठीक है, ट्रेंगल राइट, और उसके लिए कौन सा है, नॉनवेज ब्राउन कलर। ठीक है, हाँ डन ओके हैं क्या, दो मिनट बैठो ना, ये भी मैं मरा हूं ना ये खत्म हुआ क्या कर रहे हो, ठीक है इंफॉर्मेशन आपको है हाँ, अगर कोई फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं तो उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐसे निशान रहेगा एक है? ठीक है समझे, तो लिखो इसके अंदर इफ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इट शैल बियर अ क्रॉस सिंबल, ये वाला। ठीक है डन, देन कलर द न्यूट्रिएंट लेबल रेड इन केस ऑफ एनर्जी फ्रॉम एडेड शुगर इज ओवर 10% ऑफ टोटल एनर्जी, इज ओवर 10% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट है, 10% से ज्यादा एनर्जी शुगर से आ रही है, तो उसको कौन से कलर का लेबल करेंगे, रेड कलर का, और वो मानेंगे बताओ, नहीं मानेंगे। ओके नो, नेक्स्ट वन इज ईवीएम, इसको छोड़ो, इसको रहने दो, चलो बाद में, ठीक है, इसको थर्सडे करवाऊंगा फिर मैं, वो मेरे लैपटॉप के अंदर दूसरा भी है ना, पूरा ईवीएम की हिस्ट्री करवाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ईवीएम के बारे में एक क्वेश्चन तो मैंने इसे में डाला हुआ है, बट अभी मेरा लैपटॉप नहीं है इधर, तो ईवीएम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा दूंगा, स्टार्टिंग से, जब यूके के अंदर ईवीएम आई थी, आई थिंक मैंने करवाया भी हुआ है मार्च के अंदर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट वन इज जीएसटी काउंसिल मीट। अभी जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी, जीएसटी के बारे में पता है आपको, चेयरमैन कौन है उसका, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन इज फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन स्टेट्स के अंदर निकाला जाएगा, स्टेट्स को कितनी वोटिंग पावर है, 2/3, सेंटर को कोई भी चीज पास करनी हो तो उसके लिए कितनी परसेंटेज वोटिंग चाहिए, 75, और मैंने क्या लिखवाया था ओके ठीक है डन ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज जीएसटी काउंसिल मीट, इसके अंदर देखो उन्होंने अभी डेटा टैक्स का थोड़ा सा चेंज किया, कि एक लॉटरीज जो स्टेट ओन है ना, दूसरी लॉटरीज है, उनके ऊपर टैक्स इन्होंने 28% कर दिया, ऐसा नहीं आपको याद नहीं करना, सिर्फ वो ये पूछेगा भी इनके ऊपर टैक्स है या नहीं है, हाँ या ना, दैट्स इट, यूपीएससी कभी नहीं पूछता ये 18 है या 16.5 है ना, राइट लिखो इसके अंदर यूनिफॉर्म टैक्स फॉर स्टेट रन लॉटरीज एंड स्टेट ऑथोराइज्ड लॉटरीज, स्टेट रन लॉटरीज एंड स्टेट ऑथोराइज्ड लॉटरीज, कितना यूनिफॉर्म टैक्स है, दैट इज 25, 28%,
28% जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। तो आपने सिर्फ इतना याद करना है भाई उसके ऊपर लगता है या नहीं लगता। सेकंड लिखो यूनिफॉर्म टैक्स रेट ऑन वोवन एंड नॉन वोवन बैग्स, वोवन WOVEN एंड नॉन वोवन बैग्स। तो इसके ऊपर भी सिर्फ इतना याद करना है लगता है नहीं लगता, कोई ज्यादा है कम है वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा उसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको उसको भी लगे भी हाँ प्रिपेयर कर रहा है। नो नेक्स्ट वन इज इको नेटवर्क। अच्छा मुझे 5 बजे क्लास है किसी की? Yes, सवा 5 कर लेना, कोई बात नहीं। अरे वहाँ पे कोई रोबोट थोड़ी आएगा पढ़ाने, क्या बात कर रहे, पूरे 5 नहीं आता कोई भी, मैं आता हूँ 3 बजे। जो टाइम पर आ गया वो टीचर ही नहीं है फिर क्या बात है ना, कौन टाइम पे आता है? वो टीचर नहीं है, वो तो भगवान है। बौद्धि सत्वा स्टेज के अंदर है सर, ठीक है, जो दूसरों को पार लगा रहे हैं पढ़ा पढ़ा के, है ना। नाउ फर्स्ट इज इको नेटवर्क। देखो इको नेटवर्क है क्या, इको नेटवर्क ECHO इको नेटवर्क, ये कलेबोरेशन किया है इन्होंने, बोला कि एग्रीकल्चर और इकोलॉजी उन दोनों को बचाना है, ठीक है, और यंग पॉपुलेशन को ट्रेंड कर रहे हैं कि भी आप एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, इट मीन्स कि आप उससे इकोलॉजी को खतरा है, क्या होता है उससे, पानी के अंदर जाएगा वो, हाँ बस एक ही तो चीज़ होती है ना, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो इट इज़ अ कलेबोरेटिव एफर्ट ऑफ, जल्दी जल्दी लिखना फिर उसके बाद क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर ही करवाने हैं, इट इज़ अ कलेबोरेटिव एफर्ट ऑफ, क्वेश्चन पेपर मिल गया ना सभी को, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमा इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया टू क्रिएट न्यू जनरेशन ऑफ इंडियंस हु कैन टैकल एग्रीकल्चर कॉमा इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज यूरोपियन ग्रीन डील। ग्रीन डील क्या है, व्हाट इज यूरोपियन ग्रीन डील? अभी जो COP 25 कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड है ना, स्पेन के अंदर, वहाँ पे कोई सोल्यूशन निकला? अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए यूरोपियन वाले, ये बोलते भाई आपने कुछ नहीं करना, अब जो करेंगे हम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने टारगेट रख लिया कि हम उसको यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे बाय 2050। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, हाँ, जितना CO2 रिलीज होगा उतना ही अब्सॉर्ब होगा, तो मतलब नेट कार्बन एमिशन इज जीरो। तो इसके अंदर लिखो टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कॉन्टिनेंट, यूरोपियन ग्रीन डील, इसके अंदर लिखो टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बाय 2050। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल इन द सेंस के उसकी कार्बन एमिशन जीरो रहेगा, जितना अब्सॉर्ब रिलीज होगा उतना ही अब्सॉर्ब होगा, ठीक है। जैसे आपका ये वाला है बायोफ्यूल, दे आर ऑल्सो कार्बन न्यूट्रल, है ना, जितना एक प्लांट अब्सॉर्ब करता है बाद में अंदर उसका ऑयल बनाएंगे उतना ही रिलीज हो जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसके अंदर सिर्फ पॉइंट में लिखवाऊंगा हेडिंग, ये इसलिए नहीं लिखवा रहा कि UPSC पूछेगी, कभी भी नहीं पूछेगी, लेकिन जो आपको इसके ऊपर एयर पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर ये पॉइंट आपने मेंशन करने हैं कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए, सिर्फ इसलिए। नंबर वन इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? रीसाइकल, रीयूज, ये वर्ड UPSC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकती है। एक मैंने और करवाया था दैट
सर्कुलर इकोनॉमी इज ओके, वी ऑल्सो नीड एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, जितना आपने रिलीज किया उसको बाद रिसाइकिल कर दिया, वेयर एज इन केस ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी आप सिर्फ एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, समझे। अगर आपने 3 अखबारें लगवा ली घर पे और पढ़ रहे नहीं कोई, तो वो रिसोर्स एफिशिएंसी नहीं है। हाँ, चाहे उसको रिसाइकिल कर दो बाद में, बट रिसोर्स एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। तो लिखो सर्कुलर इकोनॉमी। सेकंड वन इज इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। थर्ड इज फार्म टू फोक स्ट्रेटजी। फार्म टू फोक स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या आएगा, लेस केमिकल पेस्टिसाइड। के फार्म के अंदर आपने जो लगाया, जितना फर्टिलाइजर यूज करोगे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो कौन सी प्रोसेस होती है, अगर कोई फर्टिलाइजर हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, बायो बायो कम्युलेशन मन में, ठीक है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोक FORK स्ट्रेटजी, इसके अंदर क्या होगा, लेस यूज ऑफ केमिकल, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। कि जब आप फार्म के अंदर यूज कम करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी कम जाएंगे, है ना। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो। राइनो की री इंट्रोडक्शन कहां पे हो रही है, कहां पे, राइनो का स्टेटस क्या है ऑन IUCN, कौन बोल रहा है एंडेंजर, एंडेंजर तो है नहीं, एंडेंजर तो आपका लायन है, टाइगर है, और राइनो को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन कहां पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी कि अगर किसी ने गलत आंसर देना है सोच समझ के दिया, वहां से गलत आंसर आ रहे हैं आज, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि भाई सोच रहा है ना, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस इतना आता है, कई बार मुझे भी लगता है कि वो कहीं सही तो नहीं है, ठीक है, हाँ राइट, ओके। नो राइनो, सुनो, स्टेटस क्लियर, ठीक है। राइनो को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा, पहले तो ये पूछेगा क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर पहले राइनो नहीं थे, थे पहले भी, लेकिन वो ड्यू टू पोचिंग वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, राइट। एक एक पॉइंट लिखते रहना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक्सटिंक्ट हो गए। अब इंट्रोड्यूस करने हैं, रीइंट्रोड्यूस करने हैं इसको, दो चीजें हम बोलते हैं, एक तो राइनो, सॉरी, एक तो टाइगर, दे मोस्टली अटैक ऑन यंग राइनो, यंग राइनो के ऊपर अटैक करते हैं, तो हम टैकल कर लेंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, राइट। कि छोटे जब राइनो है उनको बचा लेंगे, क्योंकि देखो कन्फ्लिक्ट आएगा ना जब आप टाइगर रिजर्व के अंदर राइनो को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बोलता है वो मोस्टली दे अटैक ऑन यंग राइनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वन इज द दिस पर्टिकुलर एरिया इज कवर्ड विद हिल्स, है ना, साइडों के ऊपर है, हिमालय हो गया, शिवालिक ये वगैरह, एक साइड पे रिवर चल रहा है, तो इस केस के अंदर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट कम होगा एज कंपेयर टू अदर केसेस। कौन सा, कि जैसे अगर टाइगर एंड राइनो एक जगह एक प्लेस के ऊपर रहेंगे तो कन्फ्लिक्ट वो आएगा ना, फाइट के चांस तो है और एक्सटेंशन के चांस है, इट दिस लीड टू कंपटीशन। यहाँ पे टाइगर वो बोलता है जो बड़े राइनो उनके ऊपर अटैक नहीं करता, मोस्टली अटैक करता है यंग राइनो के ऊपर, तो यंग को हम एक एरिया के अंदर डिमार्केट करके बचा सकते हैं ना, जब वो बड़ा हो जाए छोड़ देंगे उसको, ठीक है, ये कंसेप्ट है इनका। और इसको रिकमेंड किसने किया था, किसने किया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड, इट्स अ
ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी लिख लो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर, डन। देखो रिपीट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखना आपने। और ये टाइगर, आपने जैसे टाइगर सेंसस होता ना, जितनी पिक्चर वगैरह लेते हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंदर जाती हैं, वो उनको देखते हैं ध्यान से, यहाँ मैचिंग वगैरह बहुत बड़ा उनका प्रोसेस है। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है टाइगर सेंसस की, मैंने नहीं डाली, वैसे पड़ी है, ठीक है। तो उसको अंदर पूरा एनालिसिस करके वो टाइगर सेंसस के अंदर हेल्प करते हैं। देन पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स। देखो ये रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं है, इस रिपोर्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स 2019, नाउ इट इज रिलीज्ड बाय ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन, रिलीज्ड बाय ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन, GAHP। इसको मार्क कर लेना, एग्जाम के बाद बात करेंगे यूपीएससी की। GAHP के ऊपर क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है। और ऐसे घिसे पिटे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है जो कहीं पे जिन बंदे ने नाम ही नहीं सुना, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस रिपोर्ट के अंदर उसने क्या बोला, लिखो इंडिया के बारे में। एनुअल प्री मेच्योर एयर पोल्यूशन, इंडिया के बारे में इसने बोला, एनुअल प्री मेच्योर एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स इस कैटेगरी के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, सेकंड। इंडिया का रैंक इज सेकंड। जो प्री मेच्योर डेथ होती है ना, मतलब जाने से पहले ही टाइम से, है ना, उस कैटेगरी के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, सेकंड। फर्स्ट किसका है, चाइना, ठीक है। सेकंड कैटेगरी पोल्यूशन डेथ्स पर वन लाख पीपल, पोल्यूशन डेथ्स पर 1 लाख पीपल, इंडिया का रैंक है 10th। इंडिया रैंक इज 10, ओके। नाउ ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ पोल्यूशन है क्या, नंबर वन, इट इज अ कोलैबोरेटिव बॉडी, ठीक है। काम क्या है इसका, टू डिक्रीज डेथ एंड हेल्थ इलनेस ड्यू टू एयर पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन एज वेल एज वाटर एंड अदर पोल्यूशन, याद रखना। एक तो अकेला ये एयर पोल्यूशन को नहीं काउंट करती, हर एक पोल्यूशन को काउंट करती, ठीक है, डन। हाँ क्या लिखवाया था भाई, बोलो, ड्यू टू एयर वाटर एंड अदर पोल्यूशन, हाँ सारे, बस आपने ये याद रखना है, सारे पोल्यूशन है इसके अंदर, राइट, ओके। नाउ किसने फॉर्म किया इसको, फॉर्म्ड बाय, मेन बॉडीज के नाम लिख लो, फॉर्म्ड बाय वर्ल्ड बैंक, नंबर टू WB लिख दिया करो ना, शॉर्ट में लिखना सीखो अब तो, वेस्ट बंगाल मतलब वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNIDO, ADB, then European Commission, ADB क्या है, हाँ लिखो एक पॉइंट इसके अंदर लिखो, हाँ यूरोपियन कमीशन, एक और पॉइंट लिखो, GAHP इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन, विच एड्रेस द इंपैक्ट, ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ,
ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, नाउ ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ, ठीक है। क्या अब मेन पॉइंट, क्या इंडिया मेंबर है इसका? नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री, याद रखना। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर और एक इंडिया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दो चीजें आपने प्रिपेयर करनी है, उसका नेचर एंड क्या इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ बारा बास्टर्ड, ये एक बर्ड है, स्टेटस इसका क्या है, ठीक है। इसका बेसिकली जो माइग्रेटरी पैटर्न है दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया वहां पे घूमता है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर आता है ये विंटर के अंदर, ठीक है जी। यहां पे इसकी हंटिंग, हंटिंग क्या है, बैन है, बैंड इन पाकिस्तान। बट ये इशू के अंदर क्यों रहता है भाई, पाकिस्तान के अंदर हंटिंग बैंड है बट फिर भी ये जितने प्रिंसेस हैं ना, प्रिंस है प्रिंस ये वेस्ट एशिया के अंदर, उनको अलाउ करते हैं, ठीक है, कि आप हंटिंग करो। अब अलाउ क्यों करते हैं, ड्यू टू सॉफ्ट डिप्लोमेसी, उनको लगता है भाई एक तरफ तो इंडिया है जो हमसे नाराज रहता है, अगर ये भी नाराज हो गए तो, है ना, ऐसे तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इनको अलाउ करता है हंटिंग ऑफ दीज बर्ड्स, ठीक है, फॉर सॉफ्ट डिप्लोमेसी विद वेस्ट एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ अच्छे रिलेशन के लिए। और वो प्रिंस, अब वो हंटिंग होती की है ड्यू टू टू रीजन, वन इज स्पोर्ट्स, ठीक है, अनदर वन इज एफ्रोडिसियक, एफ्रोडिसियक। किस में पाकिस्तान अपनी कंट्री के अंदर हंटिंग बैन है तो अपनी कंट्री के अंदर अलाउ करता है, जैसे ये वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब के अंदर बहुत सारा एक नूरपुर करके एरिया है आई थिंक, वहाँ पे अभी रिसेंटली हंटिंग हुई। हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम? सेक्सुअल स्टिमुलेंट और डिजायर वाला वो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब नाम ही इसका ये है, तो कलेश तो रहेगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, देखो यहां से गोदावरी, ऐसे जब आती है गोदावरी रिवर, ठीक है, यहां पे एरिया तेलंगाना के एरिया, ठीक है ना, तेलंगाना के एरिया के अंदर क्या है, यहां पे एक रिवर है प्राणहिता, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो इन्होंने ये वाला एरिया हाईलैंड एरिया है, दिस एरिया इज हाईलैंड एरिया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज हाईलैंड एरिया, तो यहाँ पे वाटर सप्लाई करना है, वाटर सप्लाई करना है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये एरिया हाईलैंड एरिया नहीं है, तो इन्होंने उसको पंप से लिफ्ट करते हैं वाटर को, और उसके बाद इस एरिया के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ आया। हाईलैंड एरिया तेलंगाना का, यहाँ पे वाटर ऐसे नहीं पहुँचेगा, तो इसको लिफ्ट करते हैं पानी को और उसके बाद यहाँ पे आएगा। अभी इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट को बोला है टू डिक्लेयर इट अ नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करो इसको, क्यों भाई, अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट है उसके अंदर 60-40 रेशियो रहता है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 40 स्टेट गवर्नमेंट, इनको लगता है अगर इसके बाद 90-10 हो जाएगा, और इस कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का जितना बजट है कि जितना कॉस्ट आएगी, इतने इससे कम पाकिस्तान का पूरा बजट है,
पता है आपको? रिपीट नहीं होता, ये न्यूज है, ठीक है? समझे? समझ आया ना कंसेप्ट? तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए कर ले कोई ना, ठीक है? नाउ द थिंग इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ओ सॉरी, कि क्रिटेरिया, चलो ये थोड़ा अलग उसके साथ में, अब ये यूपीएससी या तो पूछ लेगी ये किसके रिवर के ऊपर है, या अगर आपको डिटेल में आ गया तो हाईलैंड एरिया है, ठीक है, उसको वाटर प्रोवाइड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। बट क्रिटेरिया, अब नेशनल प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया 90-10 रहेगी, तो इनका चक्कर है भाई 90% सेंटर दे और 10% हम दें, इसलिए इन्होंने उसको बोला। ना तो नेशनल प्रोजेक्ट हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो क्रिटेरिया कि कौन कौन से को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वन इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, क्रिटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग और डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट। क्रिटेरिया क्या क्या है, वन इज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर हम कब डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखो इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल रिवर है उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट है जो दूसरी कंट्री से साथ रिलेट है, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज नेशनल प्रोजेक्ट। वहां पे सेंटर कितना देगी, 90-10। सेकेंड इज इंटरस्टेट, इंटरस्टेट प्रोजेक्ट, सेकेंड वन इज इंटरस्टेट प्रोजेक्ट, इसके अंदर लिख लो थोड़ा सा ड्यू टू नॉन रेजोल्यूशन, ड्यू टू नॉन रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट इश्यूज, कि भाई दो स्टेट है पानी के चक्कर में है ना इशू आ गया, तो उसको हम नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट वन इज इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट, के स्टेट के अंदर है उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट विद अडिशनल पोटेंशियल ऑफ 2 लाख हेक्टेयर, पोटेंशियल ऑफ 2 लाख हेक्टेयर, कि अगर उसका देखो उन्होंने एक लिमिट रख दी, अगर 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा उसका लग रहा है कि बेनिफिट होगा या इंपैक्ट होगा, दे कैन डिक्लेयर। नाउ द थिंग इज के इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट इज प्रपोजल कौन करेगा, प्रपोजल बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन डिक्लेरेशन बाय एडवाइजरी कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मॉनिटर कौन करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम लिख लो जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं, 16 हैं टोटल, कलेश्वरम आपका नहीं डिक्लेयर हुआ अभी, तो इसके अंदर अभी बेसिकली इन्होंने बंद ही कर दिया, लास्ट जब डिक्लेयर किया था पोलावरम को। वन इज कौन कौन से नेशनल प्रोजेक्ट हैं, केन बेतवा, पोलावरम, रेणुका डैम, तीस्ता बैरेज, देन रावी ब्यास लिंक, ठीक है, ये सारे इसके मेन हैं, टोटल 16 हैं, बस आपने ये दो जो पोलावरम और उसका याद रखना। देन नेक्स्ट वन इज यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर कब बनी थी, 1945 अंडर यूएनएससी चार्टर, तो यूएनएससी, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बेसिकली है क्या कि भी किसी कंट्री के अंदर लेट सपोज कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है तो वहां पे एक न्यूट्रल फोर्स जाएगी जो उसको मेंटेन करेगी, ठीक है। इसी केस के अंदर इंडिया इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है कि कौन से, फर्स्ट इज रैंक, कि सबसे ज्यादा ट्रूप
जो इनको कौन देता है? देखो एक तो याद रखना कि कोई भी अगर मान लो मैं बनना चाहता हूँ कि मैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर जाऊंगा, तो वो बोलते भी पहले आप अपनी कंट्री के मिलिट्री के अंदर होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एज ए मिलिट्री मैन। नहीं हो तो पुलिस में हो तो पुलिस के लिए अप्लाई कर दो, अगर वो भी नहीं हो तो एज ए वॉलंटरी यू कैन वर्क इन यूएन पीस कीपिंग, राइट। तो फर्स्ट इज इसके अंदर लिखो बेसिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या क्या है, किसके ऊपर काम करता है? फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेंट ऑफ पार्टीज इज नेसेसरी। कि जो कन्फ्लिक्ट जोन की दो पार्टीज है ना, दो कंट्रीज हैं, उनका कंसेंट लेना जरूरी है, उसी के बाद ही जाएंगे। सेकेंड इज नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के बिना जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, वहां पे भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, याद रखना, उसका एक ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो बोलेगा इंडिया के अंदर आया है, तो अभी रिसेंटली जो इंडिया, हाँ इंडिया का रैंक कौन सा है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए? सबसे ज्यादा ट्रूप कौन प्रोवाइड करता है? इथोपिया। सेकेंड रैंक है रवांडा। अरे जैसे जैसे ये कंट्री हैं, इनको हथियारों की जरूरत ही नहीं है, है ना, कितने कितने लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, इनको देख के माहौल शांत हो जाएगा। थर्ड वन इज बांग्लादेश। हाँ अरे जितने इलीगल माइग्रेंट उधर क्यों नहीं जाते, है ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। फोर्थ इज इंडिया। अभी इंडिया को लिखो इंडियन पीस कीपिंग सर्विसेज इन साउथ सूडान हैव बीन अवार्डेड इंडियाज पीस कीपिंग सर्विसेज। अच्छा वो आ गए, मैं इसलिए तेज तेज चल रहा हूँ, बड़ा कम वक्त है ना। इन साउथ सूडान हैव बीन अवार्डेड, इंडिया के जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे, चाहे इंडिया में गन डला हुआ है। इंडिया में कहाँ पीस है, यहाँ तो लोगों के पीस है। हैव बीन अवार्डेड, क्या क्या बुलवाते हो, ठीक है। यूएन मेडल फॉर देयर सर्विस। नेक्स्ट वन इज यूएन हाई कमीशन और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये कब बना था हमारा? इट वॉज फाउंड इन 1950। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा। जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। 2016 के अंदर इसने कॉम्पैक्ट किया था, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज 2016 के अंदर, ठीक है, अंडर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, याद रखना डिक्लेरेशन का नाम, अंडर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, ठीक है। अभी जो इसी की रीसेंट मीटिंग हुई है, ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, ये वाला, ये मैंने मतलब उसको पूरा हायरार्की टाइप में बना दिया, उसको स्टार्टिंग से यूएनएससीआर फॉर्मड इन 1950, उसके बाद ग्लोबल कंपैक्ट ऑन रिफ्यूजीज 2016 के अंदर फॉर्म हुआ अंडर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, उसके बाद अपना ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, राइट। नाउ द थिंग इज, थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, इसके अंदर क्या है, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का क्या इंडिया सिग्नेटरी है? नो, इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन। नाउ द थिंग इज, क्यों? क्योंकि रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे रोहिंग्याज आए थे ना, तो तब वर्ल्ड ने बोला था भाई आप इनको
रखो अपने पास, है ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि हमने साइन ही नहीं किया रिफ्यूजी कन्वेंशन को, तो काय को, है ना। तो इसके अंदर लिखो, रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स टू प्रोटेक्ट द रिफ्यूजीज, टू प्रोटेक्ट द रिफ्यूजीज। तो ये उसके अंदर लिखा हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर नॉट सिग्नेटरीज। पाकिस्तान के बारे में तो पूछेंगे नहीं, पर अपना भाई है, ठीक है। तो बता दिया। तो अब खोल लो क्वेश्चन पेपर, परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन पेपर है किसी के पास कोई एक्स्ट्रा? फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी इज द आंसर। सिंपल है, अभी ताजा ताजा पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ PWO2, इट इज अ न्यू प्रोसेसिंग ग्रेड अनियन वैरायटी फाउंड बाय। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो मैंने लाइन दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी UPSC ने भी एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा था, लास्ट ईयर ना, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो सिमिलर पैटर्न के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, एक पैटर्न और हम नया ट्राई करते हैं कैसे बन सकता है क्वेश्चन। तो आपने जो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो एटलीस्ट पहले सोच लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कि लिखने लगे 10 लाइनें, ठीक है, फायदा नहीं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, सी इज द राइट आंसर। सी इज इनकरेक्ट। देखो अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है ना भाई सर ने ऐसे इजी डाल दिया, सर इतना इजी क्यों क्वेश्चन डाल रहे हैं। UPSC के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर वो एक ही बाकी स्टेटमेंट, इट मींस कि क्या रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में इतना पढ़ना है जो मैंने बाकी स्टेटमेंट दी? नहीं पढ़ना, स्टेट के अंदर तो बिल्कुल ही ईजी आते हैं, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। वो जो मैं पूछना चाहता था कि भाई क्या आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है या नहीं, बाकी के बारे में कुछ नहीं। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उसने पूछना चाहता है और एक ही ऐसी दी हुई कि आपको पता हो या नहीं हो, उसके बेस के ऊपर आंसर है, राइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ FSSAI's ड्राफ्ट ऑफ फूड लेबलिंग रूल्स, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एलर्जन, सही है, राइट। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इट शैल बी बेयर अ क्रॉस सिंबल, करेक्ट। कलर ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये थर्ड वाला, हाँ थर्ड वन इज रॉन्ग, सो ए इज द आंसर। आप तो होशियार, आप रोल नंबर ले जाना साथ में, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो एग्जाम के अंदर ऐसे चले जाओ कि भाई मुझे तो आता है, पता है आता है, बट रोल नंबर ऐसे काम में ले जाते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट EVM वॉज यूज इन परावूर, केरला, केरला है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एज पर रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट EVM इज कवर्ड अंडर RTI, नहीं ये भी गलत है, ठीक है भाई। बेसिकली इशू क्या हुआ था कि ये बोला गया कि EVM को भी RTI का पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो सेक्शन 2 के अंदर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है इन RTI के, ठीक है, RTI मैंने आपको करवाया हुआ है, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला है मॉडल एंड सैंपल दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये बोल रहे हैं कि जो EVM आप एज ए सैंपल रखते हो तो EVM इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैंपल, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ RTI एक्ट, सो इट शुड बी कवर्ड अंडर RTI। लेकिन कोर्ट बोलती और इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि भाई ये सैंपल वगैरह कुछ नहीं है, सैंपल और मॉडल हमने नहीं रखे हुए, ठीक है। वो बोलता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, और उसको अगर हम लोगों को एक्सेस देंगे कि EVM के अंदर हमने क्या डाला है, इट कैन कॉम्प्रोमाइज द ट्रांसपेरेंसी, और वी कैन से इट कैन कॉम्प्रोमाइज द, क्या बोलते हैं उसको यार, वर्ड है एक, सैंक्टिटी ऑफ, अपना वर्ड डाल है, क्या बात यार, मुझे एक वर्ड भूल गया, चलो कोई छोड़ बात, तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, सिक्योरिटी ले लो, ठीक है, राइट। नाउ फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ द अबव। सिक्स्थ, रिसेंटली ग्रीन डील सीन इन न्यूज, बी मेकिंग यूरोप कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। सेवंथ,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट रन लॉटरीज, देखो ये गलत है ना, एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर नहीं है. सेकेंड इज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 जी एस विल नॉट एप्लीकेबल, ये तो ये भी गलत है. तो आंसर विल बी डी, सेवंथ का आंसर डी. ओके नाउ एट्थ, रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड राइनो री इंट्रोडक्शन, ये मैंने बता दिया. देन जनरली टाइगर अटैक्स ओल्ड, ये ओल्ड नहीं है, वो रिस्पेक्ट करते हैं ओल्ड की, यंग राइनो, ठीक है. सो फर्स्ट इज ए, एट्थ का ए आंसर. नाइन्थ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के बारे में बताओ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर है. फर्स्ट इज राइट, इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोडिक्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके अंदर लिखा है, ठीक है. हाँ सही है, मैंने बताया था ये कैसे पिक्चर वगैरह लेके उसके अंदर सेंसस में हेल्प करते हैं. आंसर इज सी. टेंथ क्वेश्चन, इको नेटवर्क टैकल एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको इजी बहुत लग रहे हैं, एग्जाम के अंदर नहीं लगेंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब सारा आएगा ना, अगर नहीं यकीन तो जो मैंने मई के अंदर टेस्ट दिया होगा उसको सॉल्व करके देख लो, अविश्वास आ जाएगा आपको कि सर सही कर. टेंथ का इको नेटवर्क आंसर इज सी. इलेवंथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ जी ए एच पी, इट इज एन यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, गलत है. इट रिलीज स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, नहीं, ये हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आपकी ग्लोबल, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट. सो आंसर विल बी डी, सो आंसर विल बी डी. ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी पोलावर्म इज पार्ट, केन बेतवा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट, शाहपुर कांडी इज ऑल्सो प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. 13 द कंसेंट ऑफ कंफ्लिक्टिंग पार्टीज इज नेसेसरी, ये तो पता है ना भाई, ऐसे नहीं है कोई आपको कंसेंट नहीं मिला और आप चले गए कि हम यूएन पीस कीपिंग से, तो पीस डिस्टर्ब हो जाएगी दोनों की, ठीक है. सेकेंड इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म ऑफ ट्रूप पार्टिसिपेशन, ये गलत है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, ये ठीक है. देन 14th क्वेश्चन, हबारा है ना, लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN, ठीक है. इट्स हंटिंग इज बैंड इन पाकिस्तान, सही है, और ये इशू रहा है, ये हर साल रहता है. बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने लिमिट भी रख दी कि आपने कितने मारने हैं, 100 in 10 days, कि 10 दिन में आप 100 मार सकते हो, और उसने वो पता नहीं क्या खाया हुआ था, 1 घंटे में 100 मार दिए, ये भी इश्यू है, ठीक है. तो उन्होंने लिमिट रखी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट उनकी भी ये उनको क्रिटिसाइज करती है. 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल वाटर प्रोजेक्ट आर मॉनिटर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेंट्रल वाटर कमीशन. सेकेंड इज सेंट्रल वाटर, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 60% एस्टिमेटर, नहीं, कितनी प्रोवाइड करती है, 90%, ठीक है. सो आंसर इज डी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है, ठीक है. ये प्रोग्राम मुझे ठीक नहीं ना लग रहा, ठीक है.